नमस्ते दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उहुद की लड़ाई में किस तरह से मुसलमानों की हार हुई थी और जो मक्का वासी थे वो जीत गए थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज मैं ये जो रेफरेंसेस ले रहा हूँ ये विलियम मुइर वाली बायोग्राफी द लाइफ ऑफ महोमेट में से हैं, पेज नंबर 264 और 265 पर। इस लड़ाई में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसका परिणाम अभी बाद में लोग भुगतने वाले थे। मोहम्मद की तरफ से जो उसके चेले थे उनमें दो लोग थे, एक था मुदज़र और दूसरे का नाम था हारिस। इन दोनों की आपस में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। लगभग उहुद की लड़ाई से लगभग 5-6 साल पहले जो मुदज़र था उसने हारिस के बाप की हत्या कर दी थी, तब कोई और लड़ाई चल रही थी। अब उहुद की लड़ाई में जब बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई थी तो हारिस ने सोचा कि मैं अपने बाप की मौत का बदला ले लेता हूँ, और इसके लिए उसने क्या किया, मौका देखकर जो मुजज़्ज़र था उसको मार दिया। अब उसने बदला तो ले लिया लेकिन उसका ये जो एक्शन था ये किसी और ने देख लिया और उसने जाके मोहम्मद को बता दिया कि तुम्हारे अंदर के लोग ही आपस में लड़ रहे थे वहाँ पर। तो जैसे ही मोहम्मद को ये बात पता चली उसने अपना गधा मंगवाया और उस पर बैठ कर, अब ये वहाँ मदीना के पास ही कुबा नाम की जगह थी जहाँ पर कुबा मस्जिद बनी हुई आज, तो मोहम्मद वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर जो मुखिया थे उस कबीले के उनको इकट्ठा करता है, और जो हारिस था उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो भी वहीं पर उपस्थित था। तो मोहम्मद ने जो वहाँ का मुखिया था उसे ऑर्डर दिया कि इसको पकड़ो और मस्जिद के गेट पे बांधकर इसका गला काट दो। अब जैसे ही हारिस को ये बात पता चली तो उसने मोहम्मद के पैर पकड़ लिए कि मुझे मारो नहीं, और जो सज़ा देने को चाहते हो मैं वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं उसे मानने को तैयार हूँ, मारो मत, मुझसे जो हर्जाना लेना है मैं वो देने को तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि मोहम्मद ने अपनी आर्मी में डिसिप्लिन मेंटेन करना था तो उसने इस बात को नहीं माना और मुखिया को हुक्म दे दिया कि इसका सर काट देना है। तो इसलिए ये सब लोग हारिस को पकड़ कर मस्जिद के गेट पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसका सर काट दिया जाता है। इसी प्रकार से जो उहुद की लड़ाई के साथ संबंधित एक और घटना है उस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। मोहम्मद का एक चेला था जिसका नाम था साद, और वो इस लड़ाई में उहुद की लड़ाई में मारा गया था। अब उसकी दो बेटियां थी और उसकी जो विधवा थी वो परेशान हो रहे थे क्योंकि साद के भाई ने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ये जो विधवा होती है ये सोचती है कि मैं मोहम्मद के पास चलूँगी और उससे इसका सोल्यूशन निकलवाती हूँ। उसने मोहम्मद और उसके कुछ साथियों को खाने पर बुलाया, खाना खिलाया, और उसके बाद उनसे चर्चा करनी शुरू की कि साद जो है वो मर गया और इन बच्चियों को अब, क्योंकि उनकी शादियां भी करनी है, लेकिन जो इनका चाचा है उसने प्रॉपर्टी हथियार ली, उस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो इसका हल निकाला जाए। तो मोहम्मद ने कहा कि देखो मेरे पास अभी इसका कोई हल नहीं है और ना ही अल्लाह मियाँ से इस तरह का मेरे पास कोई हुक्म आया है, जैसे ही आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और जैसा कि मोहम्मद के जीवन में पहले भी हो रहा था और आगे भी होगा, कुछ ही समय बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे एक नई आयत उतरनी शुरू हो जाती है। ये अपने घर में कुछ और लोगों के साथ बैठा होता है और एकदम से पसीना छूटना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये साथियों को आदेश देता है कि जाओ साद की विधवा को और उसके भाई को बुला के यहाँ मेरे पास लेके आओ। इसके बाद जब ये जो साद का भाई है और विधवा है वो यहाँ पहुँचते हैं तो मोहम्मद उनको आदेश देता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका 2/3 हिस्सा उन लड़कियों को दिया जाएगा और इस जायदाद का 8वां हिस्सा विधवा को दिया जाएगा, बाकी का जो भाई है वो उसको रख लेगा। तो ये सुनते ही वो जो विधवा थी वो बहुत खुश हो जाती है और वो तभी वहां पर नारा लगाती है जिसे तकबीर कहा जाता है, अल्लाहु अकबर कह के खुश हो जाती है वहां पर। और यहीं से जो इस्लाम में जो जायदाद बांटने के जो नियम है वो आते हैं। ये कुरान में लगभग 4 आयतें ऐसी हैं जो ये जायदाद या प्रॉपर्टी बांटने की बात करती हैं, तो हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आज केवल 2 ही आयतों की चर्चा करने वाला हूँ जो आज के लिए हमारे लिए आवश्यक हैं। पहली आयत है सूरा नंबर 4 जिसे सूरा निसा कहा जाता है, उसकी आयत नंबर 11। अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि 2 बेटियों के हिस्से के बराबर 1 बेटे का हिस्सा होगा, और यदि 2 से अधिक बेटियाँ ही हों तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 है, और यदि वह अकेली हो तो उसके लिए आधा है, और यदि मरने वाले की संतान हो
जो उसके माँ बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है। और यदि वह निस्संतान हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का हिस्सा तिहाई होगा, और यदि उसके भाई भी हों तो उसका माँ का छठा हिस्सा होगा। ये हिस्से वसीयत जो वह कर जाए पूरी करने या ऋण चुका देने के पश्चात हैं। तुम्हारे बाप भी हैं और तुम्हारे बेटे भी, तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कौन तुम में से अधिक निकट है। ये हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है, अल्लाह सब कुछ जानता समझता है। अगली आयत, आयत नंबर 12, और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसमें तुम्हारा आधा है यदि उनकी संतान ना हो, लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वे छोड़ें, उसमें तुम्हारा चौथाई होगा। इसके पश्चात की जो वसीयत वे कर जाएं वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उन पर हो वह चुका दिया जाए, और जो कुछ तुम छोड़ जाओ उसमें उनका पत्नियों का चौथाई हिस्सा होगा यदि तुम्हारी कोई संतान ना हो, लेकिन यदि तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ोगे उसमें से उनका यानी पत्नियों का आठवां हिस्सा होगा। इसके पश्चात की जो वसीयत तुमने की हो वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए। और यदि किसी पुरुष या स्त्री के ना तो कोई संतान हो और ना उसके माँ बाप ही जीवित हों और उसके एक भाई या बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक को छठा हिस्सा होगा, लेकिन यदि वे इससे अधिक हों तो फिर एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे। इसके पश्चात कि जो वसीयत उसने की वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण उस पर हो वह चुका दिया जाए। शर्त यह है कि वह हानिकर ना हो। यह अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत सहनशील है। अगली आयत, आयत नंबर 13, ये अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएं हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वह सदैव रहेगा, यही बड़ी सफलता है। और 14वीं आयत, परंतु जो अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करेगा और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वह सदैव रहेगा, और उसके लिए अपमानजनक यातना है। अब इन आयतों से आप बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं, लेकिन इनमें कई चीज़ें हैं जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन रेज करती हैं। मैं उनमें से सारों की बात नहीं करने वाला हूं, मैं केवल एक की चर्चा करूंगा आपके सामने। अब जो लोग कुरान को अल्लाह की दी हुई कोई आसमानी किताब मानते हैं उनके लिए तो इसका एक एक अक्षर ठीक है, और अगर वो नहीं मानेंगे तो अल्लाह उनको आग में डालने वाला है। लेकिन मैं या मेरे जैसे और लोग जिनके ऊपर ये कोई बाध्यता नहीं है कि हमें इसको मानना है, तो हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसके लिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है हाफिज़ नाम का, वो मर जाता है और उसके पास जो कुल संपत्ति वो छोड़ के जाता है सारे ऋण कर्ज चुकाने के बाद वो 6 लाख रुपए की है। तो अगर हम इसमें 11 नंबर आयत देखते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिए इसमें ये लिखा है, और यदि 2 से अधिक बेटियां ही हों तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई संपत्ति का 2/3 है, कि उसकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम अरफा है और एक का नाम सबा है। अब इन दोनों को 2/3 जायदाद मिलनी चाहिए, तो 6 लाख का 2/3 करेंगे तो 4 लाख रुपए इनको मिल जाएंगे जो ये आपस में बांट सकती हैं। और यदि मरने वाले की संतान हो तो उसके माँ बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े माल का छठा हिस्सा है। अगर हाफिज़ की माँ है, मान लीजिए उसका नाम शबाना है, तो छठा हिस्सा उसको जाने वाला है, तो 6 लाख का छठा हिस्सा 1 लाख रुपया उसे मिल जाएगा। और यदि हाफिज़ का बाप है, मान लीजिए उसका नाम जावेद है, तो उसको भी छठा हिस्सा मिलना है, तो 1 लाख रुपया उसे मिल जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सा समीकरण बन गया कि 4 लाख 2 बेटियों में चला गया और 1-1 लाख रुपये माता और पिता को मिल गए, तो 6 लाख पूरे बंट गए इनमें। लेकिन अब समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर उसकी कोई पत्नी है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हाफिज़ की एक पत्नी है बरखा नाम की, तो कुरान के अकॉर्डिंग, क्योंकि 12वीं आयत ये बताती है, लेकिन यदि तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ोगे उसमें से उनका यानी पत्नियों का 8वां हिस्सा होगा। तो इन आयतों के अनुसार 8वां हिस्सा उसे मिलना चाहिए,
अब आठवां हिस्सा 6 लाख का हो जाएगा 75,000 रुपये, ये कहाँ से आएगा? तो बरखा को ये जो आठवां हिस्सा मिलना है 75,000 रुपये, ये कहाँ से आएंगे, इसके बारे में इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बरखा का क्या होगा, उसके लिए क्या समस्या आएंगी, इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि इस तरह की बहुत सी समस्याएं आती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो अलग अलग फ़िरके हैं इस्लाम के जो सुन्नी हैं वो उन्होंने इसका अलग सॉल्यूशन निकाला है, जो शिया हैं उन्होंने अलग सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन कुरान की आयतों के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो इसका कोई परमानेंट या एक सटीक सॉल्यूशन नहीं निकलता है, जिससे हम इसे आसमानी किताब माने या ना माने, ये हम अपने आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। और मान लीजिए एक से ज़्यादा पत्नियाँ हों तो उन सबको 75,000 रुपये आने हैं। मान लीजिए 4 पत्नियाँ हों तो 3 लाख इनके लिए भी चाहिए होंगे, तो वो कहाँ से आएंगे? आज के लिए इतना ही, नमस्ते।